वह प्रकृति और हरियाली के साथ एक अनोखे रिश्ते में योगदान करने वाले असम की गुम हो चुकी जनजाति के एक आदमी हैं। अब जबकि वनों की कटाई के प्रभाव ने हमारे जीवन और आसपास की प्रकृति को खतरे में डाल दिया है, तो वह चुपचाप प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उनका नाम जादव पायेंग है। प्रकृति के संरक्षण के लिए उनके अथक प्रयासों ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया है। बात वर्ष 1979 की असम के गोलघाट जिले की है। जिला प्रशासन ने कोकिलामुख के पास ओना छापोरी में वन लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की थी। पायेंग को मुलाई भी कहा जाता है। पायेंग पेड़ पौधे लगाने के लिए कामगारों के दल के हिस्से के रूप में ओना छापोरी गए थे। परियोजना पूरी होने के बाद जब सभी कामगार वापस लौट आए तो मुलाई उर्फ जादव पायेंग पौधों की देखरेख और उनका पोषण करने के लिए वहीं रह गए। अब इस ओना छापोरी को मुलाई कैथोनी के नाम से भी जाना जाता है। वनों के संरक्षण के लिए मुलाई के काम वर्ष 2009 में जाकर सामने आए। इसके बाद सैकड़ों लोग मानव निर्मित इस अनूठे जंगल को देखने के लिए मुलाई कैथोनी गए। अब मुलाई कैथोनी में 100 से अधिक हाथी, अनगिनत हिरण और 4 रॉयल बंगाल बाघ हैं। पायेंग एक ऐसा नाम बन गया है जिसे वन संरक्षण के अपने काम की वजह से विश्व समुदाय की ओर से सराहा जा रहा है। 1999 पर प्रकृति संरक्षण समय मोर बयस 14-15 बसर आसिल प्रकृति संरक्षण लगी आसो। वर्ष 2012 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि वन संरक्षण के लिए उनके प्रयास को मान्यता देता है। उसी साल कनाडा के एक फोटोग्राफर विलियम डगलस मैकमास्टर ने उन पर द फॉरेस्ट मैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। वर्ष 2013 में वृत्त चित्र ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार जीता। वर्ष 2015 में पायेंग को भारत के 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में वन संरक्षण के लिए पायेंग के प्रयास को शामिल किया। আজি যেটো খবৰ মই গম পাইছোঁ যে এটা ফেচবুক পোষ্ট ফ্ৰম আমেৰিকা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী যিগৰাকী সময়ত জে বি কলেজতেই পঢ়িছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ নৱমী শৰ্মা তেখেতে কৈছে যে আমেৰিকাৰ এটা কোৰ্চত দ্য ফৰেষ্ট মেন যাদৱ পায়েঙ বুলি এটা চেপ্টাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যদি সেইটো হৈছে সেইটো আমি জোৰহতীয়া হিচাপে অসমীয়া হিচাপে আমি গৌৰৱ কৰোঁৱেই। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने भी जादव पायेंग की कहानी को 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिसके अध्याय का शीर्षक है द फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग। जोरहाट के मूल निवासी नबामी शर्मा अब अमेरिका के कनेक्टिकट शहर में ग्रेट हेल्प स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने भी जादव पायेंग पर पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल किया है। বৰ গৌৰৱ কৰ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতৰ বিষয়ে পঢ়ে, দুখনকৈ ডকুমেণ্টেৰী চায়, তাৰ পাছত তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আমি ক্লাছত আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ পাছত কুৱেশ্যন আনচাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰা হয়। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অভিভূত হৈছে তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই, খুব ভাল পাইছে। আৰু মোৰ বাবে যে কেনেকুৱা এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিল মই বুজাব নোৱাৰোঁ। ইমান দূৰত পৃথিৱীৰ ইমূৰ খবৰতো মানুহে তেখেতৰ বিষয়ে জানিছে, তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে জানিছে, ইমান এটা গৌৰৱৰ কথা, খুব ভাল লাগিছে। হৰ অসমবাসী কো আপনে মিট্টি কে লাল পৰ গৰ্ব হে, जिसने रेत से अब दुनिया के मंच तक की यात्रा की है। जहां तक वन संरक्षण का सवाल है, जादव पायेंग और उनका मुलाई कैथोनी निश्चित रूप से दुनिया के लिए एक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।